आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। डीके शिव कुमार का भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। गैर कानूनी तौर पर रुपये के लेन देन और आय से ज्यादा संपत्ति मामले में आईटी रेड। फिर ईडी विभाग ने कांग्रेस के पूर्व सचिव डीके शिव कुमार को हिरासत में लिया था। 9 दिन ईडी की हिरासत और 48 दिन तिहाड़ जेल में बिताने के बाद परसों दिल्ली हाईकोर्ट ने शिव कुमार को जमानत पर रिहा किया था, जिसके चलते आज दोपहर स्पाइस जेट से बेंगलुरु देवनहल्ली के कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचे शिव कुमार। इनके स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता, अभिमानी और समर्थक दूर दूर से एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही समर्थकों ने कांधे पर लेकर कार में बिठाया शिव कुमार को और जय जय कार के नारे लगाते हुए इन पर फूलों की बारिश की। केडीपी सभा में अधिकारियों की क्लास ली सचिव ने। बीदर के जिला पंचायत सभांगन में त्रिमासिक केडीपी सभा में सरकारी कामों में तेजी लाकर जनता की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए अधिकारियों को आड़े हाथ लेते हुए सचिव प्रभु चौहान ने कहा कि उन्नत अधिकारियों को चाहिए कि वो अपने मातेहत अधिकारियों के दफ्तरों को महीने में 2 से 3 मरतबा अचानक दौरा दें, जिससे कर्मचारियों के काम में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का सही तौर पर अनुष्ठान न होने पर अधिकारियों को डाटा कहा कि सरकारी स्कूलों के 1 से 7वीं कक्षा तक के बच्चों को कन्नड़ा पढ़ना ही नहीं आता। DDPI को जरूरी कदम उठाने की चेतावनी दी। बाद में हुई प्रेस मीट में कहा कि बीदर नगर की स्वच्छता, ड्रेनेज, बिजली, पानी की समस्या पर चर्चा करने की बात बताई सचिव ने। रौडी शीटर की हत्या, CCTV में कैद हुआ नजारा। परसों बेंगलुरु महादेवपुर फिनिक्स मॉल के सामने दुष्कर्मियों ने मंजा नामक रौडी शीटर का पीछा करके तेज धार हथियारों से हमला करके हत्या कर दी थी, जिसका CCTV वीडियो आज वायरल हुआ है। 3 दुष्कर्मियों ने मंजा की हत्या कर दी थी। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। DCM लक्ष्मण सऊदी पर उठे सवाल। बेलगाम की सियासत में अपनी पकड़ रखने वाले लक्ष्मण सऊदी चुनाव में हार कर भी BJP आलाकमान के आशीर्वाद से डेप्यूटी CM बने और 8 बार चुनाव जीत कर भी उमेश कत्ती खाली हाथ रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी के लिए ही इन्हें डेप्यूटी CM की पदवी दी गई थी, कहा था आलाकमान ने। इस महाराष्ट्र चुनाव में सऊदी ने सांगली, कोल्हापुर सहित करीब 18 क्षेत्रों में दिन रात किया था, मगर इन्होंने जहां प्रचार किया वहां BJP को हार का मुंह देखना पड़ा है। सिर्फ 4 क्षेत्र में BJP को जीत मिली है, इससे BJP की रणनीति नाकाम हुई है। इसलिए अब सवाल उठता है कि अपने काम में नाकाम होने वाले सऊदी को क्या डेप्यूटी CM पद से हटाया जाएगा, क्या अब उमेश कत्ती को खुश किया जाएगा। एक सवाल सियासी गलियारों में पनप रहा है। दिल का दौरा पड़ने से पुलिस कांस्टेबल की मौत। PSI पोस्ट के लिए फिजिकल एग्जाम देकर KSRTC बस में बीजापुर वापस लौट रहे चरचान पुलिस थाने के 36 साल कांस्टेबल चन्नप्पा कुंभार की मौत हो गई है। अफजलपुर के पास इन्हें सीने के दर्द की शिकायत महसूस हुई तो ये बस से उतरकर अस्पताल के लिए जाते समय इनकी मौत हो गई। तुमकुर जिले में गैर कानूनी रेत जब्त, पुख्ता जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए तुमकुर जिला कोरटगेरी तालुका के आफी तिम्मप्पा देवस्थान के इलाके में गैर कानूनी तौर पर जमा कर रखी गई करीब 4 ट्रैक्टर रेत को तहसीलदार गोविंद राजू और सिबंदियों ने जब्त कर ली है। अब देखना है कि इस मामले में किस किस को गिरफ्तारी होगी। कमलेश तिवारी हत्या मामला, पुलिस ने छोड़ा मोहम्मद जाफर को। उत्तर प्रदेश में हिंदू महासभा के अध्यक्ष कमलेश तिवारी को दुष्कर्मियों ने गोली मारकर हत्या की थी। इसी मामले में पिछले दिनों पुलिस ने हुबली शहर के अरविंद नगर के मोहम्मद जाफर सादिक नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर जांच कर रही थी। अब इसको बुधवार को ही पुलिस ने छोड़ दिया है। सुन्नी संगठन के उपाध्यक्ष सैयद को इस मामले में नागपुर में गिरफ्तार किया गया था। इस व्यक्ति के साथ जाफर संपर्क में था। ISD पुलिस जाफर को जांच के लिए बेंगलुरु ले गई थी। पुरानी हुबली पुलिस थाने के रौडी शीटर में जाफर का नाम 2013 में ही शामिल है, इसीलिए इसकी जांच हुई है। फिर जरूरत पड़ने पर बुलाने की शर्त पर इसको छोड़ा गया है।
राज्य उत्सव के मौके पर प्रत्येक राज्य का झंडा लहराने की चेतावनी। संविधान की धारा 371 जे के तहत हैदराबाद कर्नाटक विकास के लिए कानून बनाया गया है। हैदराबाद कर्नाटक बोर्ड भी अस्तित्व में आया है, मगर राज्य सरकार इस बोर्ड को अनुदान नहीं दे रही है। अब तक यहाँ पर कोई भी अभिवृद्धि नहीं हुई है, मात्र एक सचिव स्थान दिया गया है। इन्हीं सब बातों को लेकर कल्याण कर्नाटक का प्रत्येक राज्य होराट समिति के अध्यक्ष MS पाटिल नारी बोल ने गुलबर्गा में कहा कि सरकार की लापरवाही को देखते हुए अब प्रत्येक राज्य की मांग जरूरी हो गई है, इसलिए नवंबर 1 को कर्नाटक राज्य उत्सव के मौके पर प्रत्येक राज्य का झंडा लहराने की जानकारी दी समिति के अध्यक्ष ने। इतिहास के पन्नों में दाखिल हुई मैसूर की KR मिल 1927 में राष्ट्रपितामह महात्मा गांधी जी के हाथों उद्घाटन हुई कपड़े की KR मिल को जमींदोज किया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए मैसूर के कोलंबिया अस्पताल के पास स्थित मिल को गांधी जी ने उद्घाटन किया था। कई कारणों के चलते इस मिल को कई दिनों से बंद किया गया था। अब बेंगलुरु मैसूर नेशनल हाईवे नंबर 6 ट्रैक रोड बनवाने के लिए इस मिल को गिराया गया है। पुलिस कांस्टेबल पर हमला, जान से मारने की धमकी। पुलिस कांस्टेबल पर रउडी के हमला करने की घटना बेंगलुरु पुट्टनहल्ली सारक की गार्डन त्रिशूल स्कूल के पास घटी है। पुट्टनहल्ली पुलिस थाने के कांस्टेबल ब्रह्मगौड़ा सिद्धेश यहां एक दुकान में चाय पी रहे थे, जब कांस्टेबल ने थूका तो वहां से गुजर रहे ऋषि नामक रउडी को उछला। इस बात पर रउडी ने कांस्टेबल पर हमला कर दिया। शिकायत करने की बात कही तो रउडी ने कांस्टेबल को जान से मारने की धमकी भी दी है। पुट्टनहल्ली पुलिस थाने में मामला हुआ है, दर्ज रउडी की तलाश हो रही है। इसकी जानकारी दी दक्षिण विभाग DCP रोहिणी कटोच ने। बस न रोकने पर ग्रामस्थों ने किया चालक पर हमला। हुबली के 26 क्रॉस पर यह घटना घटी है। स्कूल के बच्चों को बस में न लेने पर ग्रामस्थों ने चालक MK सज्जन पर हमला कर दिया, जिसके कारण चालक को याड़ीवाल के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बस के कंडक्टर कह रहे हैं कि पहले ही बस में 90 से अधिक यात्री थे, उस पर रास्ता भी ठीक नहीं, ऐसे में बच्चों को बस में लेना खतरे से खाली नहीं था। इस घटना की किसी ने वीडियो बनाई है। बर्खास्त विधायकों का मामला 4 नवंबर को हो सकता है फैसला। बर्खास्त किए जाने पर स्पीकर के आदेश को चुनौती देते हुए 3 JDS और 14 कांग्रेस विधायकों ने स्पीकर के आदेश को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। आने वाले उपचुनाव में भाग लेने के लिए निलंबित विधायक एक पांव पर खड़े हैं। कल सुबह 11 बजे से ही सुनवाई चल रही है। कांग्रेस और JDS विधायक इस मामले को संवैधानिक पीठ को ट्रांसफर करने का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाद विवाद सुनने के बाद फैसले को लिए 4 नवंबर की तारीख दी है। अब 4 नवंबर का सबको इंतजार है, विशेषकर निलंबित विधायकों को। दूध आयात पर केंद्र के फैसले का विरोध। केंद्र सरकार विदेश से दूध आयात करने को लेकर अपनी सहमति देने का फैसला ले चुकी है। इसी मामले का विरोध करते हुए कांग्रेस नायक वीरप्पा मोइली ने बेंगलुरु RT नगर के अपने निवास पर प्रेस मीट से बात करते हुए कहा कि भारत देश एक कृषि आधारित देश है, यहाँ पर किसान कृषि और अपने जानवरों का दूध बेचकर ही अपना गुजारा करते हैं। अगर विदेशों से दूध मंगवाया जाएगा तो देश में जानवरों द्वारा निकाला गया दूध का क्या होगा? क्या इससे किसानों का नुकसान नहीं होगा? सवाल करते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस फैसले को सहमति न देकर देश के किसानों के हित की रक्षा करके, कहा वीरप्पा मोइली ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।